इन क्वेश्चन नंबर 7 वी हैव टू राइट इन कोएफिशिएंट फॉर्म, करेक्ट। सो फर्स्ट वन इज दे आर गिवन यू एज x³ - 2, पहला आएगा x³, करेक्ट, x^3, बाद में x² भी है। हम लोग को डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर चाहिए, x^3 आया, बाद में स्क्वायर नहीं आया तो क्या करेंगे, 0x² लिखेंगे, x भी ले दिया हुआ है तो 0x - 2, समझ में आए। ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर 3, 2, 1 x का पावर, जहां कहां पे भी नहीं दिया हुआ है वहां पे डायरेक्टली 0 डाल दो, 0x², 0x। तो कोएफिशिएंट फॉर्म क्या हो गया है हमारा, कोएफिशिएंट फॉर्म इट इज, ब्रैकेट में लिखो x³ के साथ कुछ नंबर नहीं है तो 1 पकड़ेंगे, 1, 0, -2, ब्रैकेट क्लोज, दैट्स इट। सो वेयर इज दिस सम, इट इज, यू हैव टू राइट डाउन द कोएफिशिएंट फॉर्म, इट इज 1, 0, 0 एंड नेक्स्ट वन इज -2, देन यू हैव टू क्लोज द ब्रैकेट। अभी यहां पे 5y दिया है तो इज इक्वल टू 5y तो लिखेंगे हम लोग, बाद में y^1 है, 1 के बाद 0 तो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बाद नंबर इज नॉट बीन गिवन, इफ नंबर इज नॉट बीन गिवन जस्ट राइट डाउन योर +0, दैट्स इट, नंबर नहीं है +0 डाल दो। अगर स्क्वायर के साथ स्क्वायर x नहीं दिया है 0 डाल दो, नंबर नहीं दिए +0, तो कोएफिशिएंट फॉर्म क्या हो गया हमारा, कोएफिशिएंट फॉर्म इट इज 5, y के साथ 5 है, 5 लिखो -0, ब्रैकेट क्लोज। जो नंबर्स दिख रहे हैं ना वो नंबर उठा के ब्रैकेट के अंदर डाल दो, वही हो गया कोएफिशिएंट फॉर्म। यहां पे देखो अभी क्या दिया हुआ, 2m^4 -3m² + 7, तो फिर m का पावर क्या, 4, 4 के बाद पहले क्या था 3 दिया है, नहीं दिया तो 0m³, m² है, स्क्वायर आया यानी m^2 आया, m का पावर 2, बाद में छोटा नंबर क्या आएगा 2 से 1, m का पावर 1 है नहीं है तो +0m, और नंबर तो है ही है, तो राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म हियर, 2m^4 +0m³, नहीं दिया हुआ है क्यूब तो 0 डाल दो, -3m², बाद में स्क्वायर के बाद +m आता है, नहीं दिया हुआ है +0m + 7, तो कोएफिशिएंट फॉर्म क्या हो गया हमारा, कोएफिशिएंट फॉर्म इज 2, 0, -3, 0, 7, ब्रैकेट कंप्लीटेड। सो दैट इज योर कोएफिशिएंट फॉर्म फॉर क्वेश्चन नंबर 3। Now fourth one, -2/3, यहां पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ना अल्फाबेट है, करेक्ट, नो अल्फाबेट इज गिवन, ओनली नंबर्स आर गिवन, तो डायरेक्टली लिखो कोएफिशिएंट फॉर्म, क्या है कोएफिशिएंट फॉर्म, -2/3, दैट्स इट, खत्म हो गया आंसर। अगर सिर्फ नंबर दिया रहेगा कोएफिशिएंट फॉर्म -2/3, सिर्फ अगर वेरिएबल दे रहे y दिया है नंबर नहीं दिया है तो +0 डाल दो, 5, 0 कोएफिशिएंट फॉर्म। नाउ वी विल सी टू क्वेश्चन नंबर 8, तो राइट द पॉलीनोमियल इन इंडेक्स फॉर्म, आपको इंडेक्स फॉर्म में लिखना है, इंडेक्स फॉर्म मैंने ये अल्फाबेट के फॉर्म में लिखने का है, और कोएफिशिएंट फॉर्म का मतलब सिर्फ नंबर आपको लिखने का ब्रैकेट के अंदर, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट फॉर्म दिया हुआ है, इंडेक्स फॉर्म क्या रहेगा, 1, 2, 3 है ना, तीनों का साइन देखो, व्हाट इज द साइन गिवन टू यू ऑल, फॉर ऑल द 3 दे आर गिवन यू +साइन, सो व्हाट यू विल राइट हियर, 1x बाद में 2 है ना +2x + 3, करेक्ट, यहां तक तो समझ में आया, बाद में पीछे से देखो क्या हो जाता है, ऊपर 1, 2, 3 है ना, यहां से 1, 2, 3, यहां पे भी देखो 1, 2, 3, 4, तो इधर से भी क्या आएगा 2x^1, 2x^2, x^2, तो फिर इंडेक्स फॉर्म क्या हो गया आपका, x² + 2x + 3, दैट इज योर आंसर, सो यू कैन राइट योर x² + 2x
प्लस 3। ये हो गया आपका इंडेक्स फॉर्म का आंसर। सो रिटर्न ऑन द बोर्ड लाइक दिस वे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। नाउ वी डू क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। इंडेक्स फॉर्म में हम लोग को यहां पे लिखने का है, तो फिर व्हाट विल बी द इंडेक्स फॉर्म हियर? इंडेक्स फॉर्म पहला क्या है? 5। पहले लिखेंगे लोग 5x प्लस 0x प्लस 0x प्लस 0x माइनस 1। लास्ट में जो नंबर दिया होगा उसको ऐसे लिखने का है, छोड़ देने का है। यू डोंट हैव टू राइट एक्स हियर फॉर लास्ट नंबर। सो इंडेक्स फॉर्म में लिखे 5x प्लस 0x प्लस 0x प्लस 0x माइनस 1। पीछे से क्या करेंगे हम लोग, 1, 2, 3, 4 डाल देते हैं एक्स की डिग्री। यहां पे आएगा 1, 2, 3, 4 करेक्ट। सो 5x = 4 प्लस 0x³ प्लस 0x² प्लस 0x माइनस 1। यहां तक तो आपको समझ में आ ही गया रहेगा, दैट इज कंपल्सरी। नाउ यहां पे देखो 0, 0, 0 लिख के कुछ फायदा नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे पता है? इज इक्वल टू 5x = 4 माइनस 1। ऐसा 0, 0 के साथ जो मल्टीप्लाई है सबको मिटा दो, फाइनली ये लिखो x = 4 माइनस 1 इज योर फाइनल आंसर। इट इज लाइक दिस वे, यू हैव टू राइट डाउन इन इंडेक्स फॉर्म। सो रिटर्न इट हियर। नाउ लास्ट क्वेश्चन, -2, -2, -2, तो हमारा इंडेक्स फॉर्म क्या हो गया यहां पे? इंडेक्स फॉर्म यहां पे भी कल क्या लिखेंगे? पहला -2x, कुछ साइन नहीं दिया तो +2x, देन अगेन -2x, लास्ट में नंबर है तो x कुछ नहीं डालने का है, नंबर को ऐसे छोड़ दो +2। बाद में क्या कहा था? पीछे से डिग्री डाला चलो कर दो, तो यहां पे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तो फिर क्या आंसर आया? -2x³ + 2x² - 2x + 2 इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। सो आई कंप्यूटर हियर क्वेश्चन नंबर 8 ऑल्सो। नाउ वी सी टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट। सो क्वेश्चन नंबर 9, दे आर गिवन यू सम पॉलिनोमियल्स। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा है, क्यूबिक कौन सा है, लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा है? तो क्वाड्रेटिक में कौन सा आएगा? x² वेरिएबल यू आर सीइंग द डिग्री 2, दैट इज अ क्वाड्रेटिक। x² इट इज अ क्वाड्रेटिक। 2x² + 5x + 10 ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। 3x² + 5x ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक में पावर कितना आना चाहिए? 3। सो x³ + x² + x + 5 देखो क्यूबिक आ गया, क्यूब आ गया तो हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। x³ + 9 3 नंबर आ गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री। x + 7 एक्स का डिग्री क्या है? कुछ नहीं लिया तो 1 पकड़ते, 1 आते ही लीनियर पॉलिनोमियल। सो आई मेड अ टेबल हियर, सो बेस्ड ऑन दैट ओनली विल बी डूइंग अवर मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल ऑल्सो। मोनोमियल का मतलब क्या होता है? एक ही टर्म आना चाहिए। एक टर्म कहां पे दिखाई दे रहा है? यहां पे x² करेक्ट। सो मोनोमियल में क्या आएगा? x² बायो में कितना टर्म आना चाहिए? बाइनोमियल में 2 टर्म्स। तो विचार दे, देखो यहां पे 3x² + 5x ये नहीं आएगा क्योंकि यहां पे 3 टर्म है, ये भी नहीं आएगा, ये आएगा x³ + 9 आएगा। तो राइट x³ + 9 और x + 7 इट इज व्हाट? बायनोमियल। अभी ट्राइनोमियल में कौन सा आएगा? जहां पे 3 टर्म रहेंगे। 3 टर्म कहां पे दिख रहे हैं? 2x² + 5x + 10 सो राइट 2x² + 5x + 10 सो दैट इज योर आंसर फॉर ट्राइनोमियल ऑल्सो। सो वी गॉट बायनोमियल, ट्राइनोमियल एज वेल एज मोनोमियल, एंड हेंस वी आर कंप्लीटेड अवर प्रैक्टिस सेट ऑल्सो। हम लोग ने हमारा प्रैक्टिस सेट 3.1 वी आर कंप्लीटेड हियर। सो आई हैव टॉट इट वेरी इजी मैनर। प्लीज प्रेस द लाइक बटन, प्लीज शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब इट ऑल्सो।
In next video, we are going to start with our practice set 3.2. So please stay on.